सस्रियकाल अस्सलाम वालेकुम, क्या हालचाल है मेरे दोस्तों? बढ़िया, यस मैं भी बढ़िया हूँ दोस्तों। जल्दी जल्दी एक हम ओएसटी के ऊपर अपना रिएक्शन दे देते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है, और जल्दी से मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और मेरे सारे वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। घंटी यानी बेल बटन भी दबाई दीजिएगा। अच्छा, ये मास्क मैंने इसलिए पहना है क्योंकि कुछ यू नो ऑफिसर्स लोग घूम रहे हैं, तो अभी मुंबई में थोड़ा सा ये चल रहा है तो ये कंपलसरी है। एक्चुअली अच्छा है, पहनना चाहिए, लेकिन मेरे ऑफिस में अभी कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, फिर भी मैंने पहन के रखा हुआ है। तो एनीवेज चलो एक ओएसटी के ऊपर हम अपना रिएक्शन दे देते हैं फटाफट से, जितना जल्दी मैं सोचता हूँ कि मैं कर पाऊँ सारे रिएक्शंस, यानी सारी रिक्वेस्ट पूरी लोगों की, मेरे दोस्तों की, मेरे भाइयों की, तो उतना ही मुझे भी अच्छा लगेगा। तो एक्चुअली ये मैं बार बार वहाँ क्यों देख रहा हूँ पता है? मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो बाहर कौन है क्या है तो ये मुझे पता चलेगा, तो इसके लिए मैं बार बार वहाँ देख रहा हूँ। तो डोंट वरी, अभी हम अपना रिएक्शन देते हैं जल्द से फटाफट। और वो रिएक्शन ऐसा है, तीफा इन ट्रबल, ये एक मूवी है, पाकिस्तानी मूवी है। बहुत ही ज़्यादा खर्चा हुआ था इस मूवी के ऊपर, कुछ तो मतलब ऐसी बात थी इसमें कि कुछ कंट्रोवर्सी भी थी शायद, पता नहीं, इन डिटेल में नहीं पता है। ये 2018 में रिलीज हुई थी, ये पहली ऐसी मूवी है, वन मिनट हाँ होल्ड करना, तो ये पहली ऐसी मूवी है जिसमें मतलब ये नॉन इंडियन मूवी है, ऑफ कोर्स ये पाकिस्तानी मूवी है, लेकिन इस मूवी को इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट किया था यशराज फिल्म्स ने, जो कि एक इंडियन मूवी एंटरटेनमेंट यानी बोलते ना वो है, और इसमें 50 करोड़ से अधिक खर्चा हुआ था पाकिस्तान का इस मूवी को बनाने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो गया था ये मूवी बनाने के लिए। एक्चुअली चलो अभी अली जफर, इनको तो मैं अच्छा से पहचानता हूँ, बहुत अच्छे कलाकार हैं, माया अली, ये दोनों एक्टर्स हैं। अभी देखते हैं कैसा ये है, पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं था, मैं इतना मूवीज़ के पीछे गया नहीं हूँ कभी, लेकिन फिर भी अभी आप ही लोगों की वजह से थोड़ा थोड़ा शौक जगा है मेरा तो ज़्यादा आपका मैं समय नहीं लेता हूँ और तुरंत इसके ऊपर अपना रिएक्शन दे देता हूँ। और इसे मैंने लाया है, अभी इसे प्ले करते हैं, सो लेट्स प्ले।
बहुत सही लगा यार, मजा आ गया। ऐसे गाने ऐसे सुनने में ना एकदम मजा आता है, दिल खुश हो जाता है, दिल बागबान हो जाता है। एक्चुअली दोस्तों ये गाना जब सुन रहा था ना मैं, तो ध्यान वहाँ पे भी था मेरा, लेकिन गाना सुनते हुए बहुत मज़ा भी आया यार, बहुत एंटरटेनमेंट है इसमें, और लग रहा है यस नया पाकिस्तान रियली बहुत अच्छा लगा। और इस गाने के जो बोल थे यार, मैं आइटम नंबर नहीं करूँगी, जो करना है करवा ले, मतलब ये आइटम नंबर सब कुछ नहीं करना है मेरे को। और वो बोलता है अरे तू आइटम नंबर करेगी तो फुल चलेगा तो अच्छा लगा मुझे। तो आपको कैसा लगा मेरा रिएक्शन जरूर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, और आपके रिक्वेस्ट मुझे दे दीजिएगा कि किस पे मुझे और करना है। कोशिश करूँगा मैं जल्द से जल्द रिक्वेस्ट आप सब लोगों की पूरी करने की। और एक दुआ भी है, वो भी मुझे पोस्ट करना है, प्रेयर है वो, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी के लिए मैं वो प्रेयर कर रहा हूँ, खुद के लिए भी, और वो प्रेयर सुन करके वही से प्रेयर मेरे लिए भी कर देना आप सब लोग। मैं ज़रूर वो पोस्ट करूँगा, मेरे जहन में है, मेरे दिल में है वो बात, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपसे। तो चले दूसरे एक रिएक्शन वीडियो की तैयारी करता हूँ मैं तब तक, और कैसा लगा ये ज़रूर मुझे बता दीजिएगा। नमस्ते, सलाम, सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, सी यू, शब खैर, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, चलो सी यू।